हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे स्वस्थ होंगे। आज अपने करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर टू। चैप्टर का नेम है इनवर्स फंक्शन। हिंदी में कहते हैं बच्चे इसे प्रतिलोम फलन। सबसे पहले देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे आपको पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। अगर ये 60 डिग्री यही रहे, इस साइन को मैं इधर लेके आऊं तो इसे लिखा जाता है साइन इनवर्स √3/2। तो बच्चे ये साइन जो है इधर आके क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ये जो फंक्शन है अपने पास इधर वाला साइन इनवर्स √3/2, इसे क्या कहा जाता है, इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन कहते हैं अपने हिंदी में। तो इनवर्स फंक्शन जो होता है वो हमेशा एक क्या देता है, एंगल देता है। ध्यान से सुनिए, इनवर्स फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या देता है, अपने को एक एंगल देता है। इनवर्स फंक्शन का आंसर होता है हमेशा एक एंगल, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर हमेशा क्या होता है, एक वैल्यू होता है। जैसे एक्टिव पैसिव होते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ये मैथमेटिक्स में ये क्या इनवर्स फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन 60 डिग्री। इसका इनवर्स फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स √3/2। जैसे आपसे पूछूं मैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे कि √3/2। लेकिन मैं कहूं कि साइन की वैल्यू जब √3/2 होता है तो उसके एंगल क्या होता है। तो ये जो मैंने अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये मैंने इनवर्स पूछा है, पैसिव पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया, तो इसे इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा, जब मैं पूछूं साइन इनवर्स √3/2 तो आपका आंसर होता है 60 डिग्री। अब देखो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और इनवर्स फंक्शन होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं एक यूनिट रेडियस के सर्किल के ऊपर बात करते हैं अपनी। एक सर्किल है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक है, एक इकाई यूनिट है उसकी। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1.0। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0.1, क्योंकि ये सारी यूनिट है ना, रेडियस इसकी यूनिट है। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1.0, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0.-1। अब आपको एक बात पता है कि ये जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है ये किसका होता है, कोस थीटा का, और वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होता है किसका होता है, साइन थीटा का। ये बात कहां से पता चलती है, ये जब अपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर करते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर करते हैं तो वहां से पता चलता है कि एक्स कोऑर्डिनेट किसका होता है, कोस थीटा का। और आप ऐसे भी पता चला सकते हो, देखो ये 0 डिग्री है, ये π/2 है 90 डिग्री, ये पाई है 180 डिग्री, ये 3π/2 है और 270 डिग्री है, ये 360 है, 2π है। अब ध्यान से देखो, ये 0 है, 0 डिग्री की वैल्यू, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 वाला है जो cos 0 की वैल्यू है, तो ये 1 जो है ये क्या है, cos थीटा। और देखो sin 0 कितना होता है, 0 होता है, तो y वाला कोऑर्डिनेट किसका होता है, sin थीटा का। अब ध्यान से देखो, अपनों ने बात की sin थीटा और एक होता है sin इनवर्स x। sin थीटा कैसी वैल्यू देता है, साइन थीटा एक अल्जेब्रिक वैल्यू देगा अपने को, और साइन इनवर्स एक्स क्या देगा अपने को, एक एंगल देगा। साइन इनवर्स एक्स क्या देगा, एक एंगल या कोण देता है, जबकि साइन थीटा क्या देता है, एक अल्जेब्रिक आंसर देगा अपने को या बीजीय आंसर देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो एक्स वाला कोऑर्डिनेट किसका, कोस थीटा, वाई वाला है साइन थीटा का। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा हमेशा P अपॉन H रहेगा और ये अपने को वैल्यू देता जाएगा। अपनों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 120 की भी होती है, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में भी होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होती है, और ये लूप फंक्शन होते हैं, चलते रहते हैं। अब साइन इनवर्स की बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्चुअली होता क्या है, साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में रहती है। किससे किसके बीच में रहती है, -1 से +1 के बीच में रहती है, किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में। इनवर्स देखो क्या होता है, इनवर्स आपको हमेशा एंगल देगा, ठीक है।
तो एंगल देगा, तो साइन थीटा और साइन इनवर्स एक्स में फर्क देखो क्या होता है कि जो इनवर्स फंक्शन होता है वो कहता है कि मैं एक पर्टिकुलर इंटरवेल के अंदर सारी वैल्यू दे दूंगा, एक पर्टिकुलर इंटरवेल के अंदर सारी वैल्यू दे दूंगा, मुझसे घुमा नहीं जाएगा। साइन इनवर्स एक्स जो कहता है कि मैं सारी वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवेल के अंदर दे दूंगा, जबकि साइन थीटा जो है वो माइनस वन से प्लस वन की वैल्यू देता रहता है, घूमता रहता है। जैसे मैंने बात कही, जैसे मैं कहूंगी साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री बाय टू। साइन 120 की वैल्यू कितनी है, ये भी होते हैं रूट थ्री बाय टू। और साइन जब घूम के फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट घूम के कैसे, यहां तक 360 डिग्री एंगल चलेगा, 360 प्लस 60 यानी साइन 420 की वैल्यू भी क्या होती है, रूट थ्री बाय टू। तो ऐसे तो एंगल चलता जाएगा, ऐसे ही रूट थ्री बाय टू वैल्यूज कितनी बार देगा, इनफिनिट टाइम्स देगा। लेकिन इनवर्स इनवर्स वाला जो फंक्शन कहता है कि मैं आपको एक इंटरवल देता हूं जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब अपने बात करते हैं साइन की, जो ये सभी की सभी वैल्यूज आती है ना जिस इंटरवल के अंदर, उसको बोलते हैं इसका मुख्य मान, मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कि वो इंटरवल क्या है जिसके अंदर सारी साइन की सभी की वैल्यू आ जाए, यानी माइनस वन से प्लस वन की सभी वैल्यूज आ जाए। ध्यान से देखो, यहां पे कितना है, साइन जीरो है, यानी जीरो आ गया, माइनस वन से प्लस वन के बीच में जीरो होता है। अब देखो इधर जीरो से लेके एक तक चले गए अपने, अब देखो जीरो आ गया, वाई वाला कोऑर्डिनेट देखना है आपको सिर्फ, ये देखो जीरो आ गया, फिर वन आ गया, फिर जीरो आ गया, फिर माइनस वन आ गया। तो साइन की सभी वैल्यू यानी जीरो वन जीरो माइनस वन, ये सभी वैल्यू अपने पास कैसे आई, यानी अपने को तीनों वैल्यू चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अपने को तीनों वैल्यू चाहिए, जीरो भी चाहिए, माइनस वन भी चाहिए और प्लस वन भी चाहिए। तो कितना एंगल चलना पड़ा अपने को, जीरो वन जीरो माइनस वन, यानी अपने को एंगल चलना पड़ा 270 डिग्री। कितना चलना पड़ा, 270 डिग्री। लेकिन इनवर्स फंक्शन क्या बताता है, इनवर्स फंक्शन कहता है कि कम से कम एंगल चलना है और सभी की सभी वैल्यूज आनी चाहिए। जैसे अपने को प्यास लगी है, प्यास लगी है तो एक गिलास का पानी अपने पास थोड़ी दूर पे एक मीटर पे है और दूसरा दो मीटर पे है, तो प्यास लगी है तो अपने कौन सा पानी पिएंगे, जो एक मीटर की डिस्टेंस पे जो कम दूर पड़ा है वो पानी पिएंगे। तो उसी से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, अगर अपने यहां से स्टार्ट करें इस लाइन से, ये जीरो डिग्री पे जीरो आ गया, 90 पे वन आ गया, फिर 180 पे फिर से जीरो हो गया और 270 पे माइनस का वन हो गया। दिस मीन्स ऐसे तो अपने को चलना पड़ा 270 डिग्री। देखो एक चीज समझने के अंदर बस एक बार होगी, धीरे सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं ऐसे चलूं, देखो यहां से यहां चलूं, कि अगर मैं माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू चलूं, देखो इस जीरो की लाइन से इधर जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव, अगर इधर जाऊंगा तो एंगल नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मैं माइनस का पाई बाय टू भी कह सकता हूं। क्या कह सकते हैं अपने इसे, माइनस का पाई बाय टू, क्योंकि ये हो गया प्लस का पाई बाय टू, ऐसे चले तो प्लस का पाई बाय टू, ऐसे चले तो माइनस का पाई बाय टू। अब देखो ध्यान से, ये जीरो आ गया, वाई वाला कोऑर्डिनेट देखो जीरो आ गया, ये वन आ गया और इधर क्या आ गया, माइनस वन आ गया, यानी साइन की सभी वैल्यू आ गई, वन भी आ गया, जीरो भी आ गया, माइनस वन भी आ गया। तो देखो इधर अपने को चलना पड़ा था 270 डिग्री, इधर अपने को चलना पड़ा 180 डिग्री, सिर्फ 180 डिग्री। तो कम किस में चलना पड़ा, 180 डिग्री में। तो ये जो अपनों ने बनाया है, ये साइन की सभी वैल्यूज के लिए क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है ये साइन की, साइन इनवर्स एक्स की, इसकी साइन इनवर्स एक्स की। इसलिए साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू रहती है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में, और ब्रैकेट ये वाला लगेगा, आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में कि ये इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, पाई बाय टू को भी इंक्लूड करना है। आई बात समझ, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में क्यों रहती है, क्योंकि माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में अपने को साइन की सभी वैल्यूज मिल जाती है और अपने को चलना भी कम पड़ा, यानी 180 डिग्री ही चलना पड़ा, अदरवाइज अपने को 270 डिग्री चलना पड़ता अगर अपने को ऐसे सभी वैल्यूज लेनी होती। तो ये बात कि इन्होंने साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में रहता है।
ये ब्रैकेट बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको ब्रैकेट में गलती नहीं करनी, ब्रैकेट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपनी बात करते हैं जब अपने जीरो से पाई चलते हैं तो कोस की सभी वैल्यूज आ गई। देखो वन भी आ गया, जीरो भी आ गया और माइनस वन भी आ गया। तो कोस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है किसके बीच में लाइज करती है, ये होती है जीरो से पाई के बीच में। जीरो से पाई के बीच में कोस इनवर्स एक्स की सभी वैल्यूज आ चुकी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में रहती है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में। और कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है जीरो से पाई के बीच में। अब देखो ये मैंने दो समझाए हैं आपको, इन्हीं पर बेस्ड है बाकी सभी, यानी टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, उन सभी की मैं आपको भी टेबल बना के दिखाता हूं और अभी आपको याद करवा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो किससे किसके बीच में रहती है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में। आगे बात समझ, अब बात करते हैं कोस इनवर्स एक्स की। कोस इनवर्स एक्स की किससे किसके बीच में रहती है, जीरो से पाई के बीच में। ब्रैकेट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि जीरो को भी इंक्लूड करना है। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि जीरो को इंक्लूड करना है, यानी तो देखो कोस जीरो कितना होता है, कोस जीरो वन होता है ना, तो वन जो है एक फाइनाइट वैल्यू है, अपने फाइंड कर सकते हैं वन, इसलिए जीरो इंक्लूड करना है। और कोस पाई कितना होता है, कोस पाई होता है माइनस वन, इसलिए पाई भी इंक्लूड करेंगे अपने। अब देखो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की मैं डायरेक्ट टेबल याद करवा रहा हूं, फिर आपको एक कोडिंग बताऊंगा जिससे आपको ये सारे याद हो जाएंगे। कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में ही। अब आपको मैं ये बताऊं कि ब्रैकेट कौन सा लगेगा। देखो टेन जो है पाई बाय टू पे कितनी वैल्यू देता है, इन्फिनेट देता है। इन्फिनेट क्या है, एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो पाई बाय टू इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए ये वाला ब्रैकेट लग गया। ठीक है, इधर भी माइनस पाई बाय टू पे भी वैल्यू नहीं देगा, इसलिए ये ब्रैकेट लग गया। तो जिस एंगल पे टेन थीटा नॉट डिफाइन है, टेन इनवर्स एक्स में वो एंगल इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो बच्चे कोट, कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू किससे किसके बीच में रहती है, ये भी जीरो से पाई के बीच में रहती है। अब बात करते हैं कि क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं। देखो कोट जीरो होता है इन्फिनिट, इसलिए जीरो इंक्लूड नहीं होगा। कोट पाई भी क्या होता है, इन्फिनिट, इसलिए ये भी इंक्लूड नहीं होगा। अभी बात समझ, तो ये जीरो से पाई रहेगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, और आपको ये ब्रैकेट याद रखना है। आगे बात समझ, इसके बाद अपने बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू भी किसके बीच में रहती है, जीरो से पाई के बीच में। आगे बात समझ, और देखो कोस जीरो वन होता है तो सेक जीरो भी वन होगा, यानी जीरो इंक्लूड कर सकते हैं। कोस पाई होता है माइनस वन, तो सेक पाई भी माइनस वन हो गया। क्यों, क्योंकि सेक जो है वो कोस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल है, तो ये पाई भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि जीरो से पाई के बीच में वो कौन सा एंगल है जहां पे sec थीटा जो होता है नॉट डिफाइंड या इनफिनिट होता है, कौन सा एंगल होता है वो, पाई बाय टू। तो पाई बाय टू क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। आई बात समझ, sec की जो वैल्यूज हैं उसमें पाई बाय टू क्या कर दो, माइनस कर दीजिए आप। इसलिए sec इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है लाइज बिटवीन जीरो टू पाई माइनस पाई बाय टू एंगल। इसके बाद अपने बात करते हैं कोसेक इनवर्स x। कोसेक
कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है बच्चे माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में। अब देखते हैं कि पाई बाय टू इंक्लूड हुआ है नहीं, तो बताओ साइन पाई बाय टू कितना होता है, साइन पाई बाय टू वन होता है, कोसेक उसका रेसिप्रोकल होगा तो पाई बाय टू पे भी वन देगा वैल्यू, ऐसे ही माइनस पाई बाय टू पे भी वैल्यू देगा। अब कोसेक जो है कौन से एंगल पे इन्फाइनाइट होता है, जीरो डिग्री पे, इसलिए इसमें से जीरो क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दो। आई बात समझ, ये कंप्लीट टेबल अपनों ने बना ली इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज की अपनों ने टेबल बनाई है। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू जो है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में रहती है, मुख्य मान कहते हैं इसे। कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है जीरो से पाई के बीच में, टेन इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, कोट इनवर्स एक्स का जीरो से पाई, सेक इनवर्स एक्स का जीरो से पाई माइनस क्या हो जाएगा पाई बाय टू, कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू माइनस क्या हो जाएगा जीरो डिग्री। अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स इनका एंगल सेम है। देखो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि टेन के अंदर 90 इंक्लूड नहीं होता, कोसेक के अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता, इसलिए वो माइनस हो गया। अब कोस, कोट और सेक इनकी क्या होती है, सेम होती है, जीरो से पाई, जीरो टू पाई, जीरो टू पाई। बस देख लो सेक के अंदर 90 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी आपको एक बात याद रखनी है कि एक तो फैमिली होगी किसकी, साइन इनवर्स की और कोसेक इनवर्स की और टेन इनवर्स की, इनकी क्या रहेगी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ब्रैकेट कैसे लगाना है, दिमाग से, दिमाग यूज कर लेना वहां पे कि किस पे वो नोट डिफाइन है। और दूसरी फैमिली किसकी है, कोस इनवर्स की, कोट इनवर्स की और सेक इनवर्स की, ये क्या होती है जीरो से पाई। ब्रैकेट देख लेना ध्यान से, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और वो एंगल माइनस कर देना जिस पे ये नोट डिफाइन है। तो बच्चे ये है इनवर्स फंक्शन की टेबल, इसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक दो बार लिख के देखोगे जिससे चैप्टर 2 करने में आपको सबसे ज्यादा आसानी होगी। थैंक यू, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा।